नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं एयरटेल डिजिटल टीवी का सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करना है, अगर ये आपका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो पाता है तो उसको मैन्युअली कैसे अपग्रेड करना है, इसी के बारे में बताऊंगा। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है वो चैनल्स नहीं चल रहे हैं आपके, या फिर चैनल्स कंप्लीट नहीं आ रहे हैं, ऐसी अगर आपके बॉक्स में प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। तो कैसे आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो में बताऊंगा इसमें। तो ये एयरटेल डिजिटल टीवी का जो बॉक्स है वो अभी ऑन है, ये देख सकते हैं बॉक्स अभी ऑन है। तो उसको आपको करना क्या है कि ये रिमोट जो रहेगा आपका, ये रिमोट आपका प्रॉपर सही वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जैसे ही बॉक्स एक बार ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे, एक बार एग्जिट के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 2465 2465 आपको तुरंत प्रेस करना है, तो जो आपका वो बॉक्स रहेगा वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिमोट के जो बटन्स हैं वो सभी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बटन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जो प्रोसेस होगी वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ऑफ करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने बॉक्स को यहाँ पे ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे तुरंत आपको बॉक्स ऑन करना है। और ऑन करते ही जैसे ही आपके बॉक्स ये देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट 2465 आपको प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2465 प्रेस कर दिया है, और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपकी टाइमिंग से होनी चाहिए, जैसे ही बॉक्स आपका ऑन हो तुरंत आपको 2465 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे तुरंत आ जाएगा। तो ऐसा स्क्रीन पर आ जाएगा अगर, तो आपका जो बॉक्स होगा वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जैसे ही ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ जाए तो आपको करना क्या है कि रिमोट से आपको ओके की बटन को प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं जैसे ही हमने ओके की बटन को प्रेस किया, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारी ऑन हो चुकी है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अपग्रेड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर बीइंग डाउनलोडेड। तो यहाँ पे जो बॉक्स रहेगा उसको आपको ऑफ नहीं करना है, ना ही आपको रिमोट से कोई भी बटन को प्रेस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड की प्रोसेस होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, और ऐसे में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 50% तक जो है 15% तक अपडेट की जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे ये प्रोसेस आपको आगे मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो आधी हो चुकी है, यहाँ पे 60% तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम इसको 100% होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने में कि जो आपका सिग्नल रहेगा एयरटेल का वो प्रॉपर सिग्नल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं होगा तो ये जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 60% के बाद जल्दी होने लगती है। तो यहाँ पे ये 95 और ये 100% तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 100% कंप्लीट होने के बाद जो बॉक्स रहेगा वो आपका एक बार ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद ये आगे की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं ब्लैंक स्क्रीन हो चुकी है, और जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी टीवी अब ऑन हो रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, उसके बाद आपकी टीवी जो है वो ऑन हो चुकी है, और जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप मैनुअल सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपनी एयरटेल में कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।